अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। जब हम दिल्ली गए थे तब का वीडियो है मेरा। तो यहाँ पर इस तरीके से प्रोग्राम हुआ था, मिलाद हुई थी, 40वां था ना, 40वें में गए थे हम। मैंने बताया था कि मैं अगली वीडियो में बताऊँगी, तो मैं आज बता देती हूँ। हमारी जो भाभी हैं ना, उनके अब्बू ख़त्म हो गए थे ना, उनका 40वां था, तो उन्हीं के लिए ये मिलाद महफिल सजाई हुई थी और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया, तो आप आके जाके सुनेंगे वो बयान जो इन्होंने, मौलाना ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। और आज के जो मेहमान हैं हमारे वीडियो के, वो भी आप स्क्रीन पर जल्दी अब देख लीजिए, हमारी ये प्यारी सी बहना। तो आप इनके चैनल पर जाइए और जल्दी से विज़िट कीजिए। और उम्मीद है आज का वीडियो भी काफ़ी पसंद आने वाला है आपको। और ये बहन का मोनो है चैनल, प्लीज़ आप ऐड के साथ जाइएगा, क्योंकि ये सिस्टर भी सबको बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करती हैं। आप जुड़ेंगे इनसे एक बार तो मुझे भी नहीं भूलेंगे, और इन सिस्टर को तो फिर बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले आप। आज का वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा, भूलना बिल्कुल भी नहीं है लाइक करना और शेयर करना अगर आपको अच्छा लगे तो, बयान थोड़ा सा भी कहीं से भी। तो आप बने रहना और आगे चल के आपको बयान सुनवाते हैं। और जो भी आने वाले न्यू हैं हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन ऑन रखें, क्योंकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अब सुन लीजिए बयान। मुस्तफ़ा के बाल में कंघी लगी हुई है, मेरे मुस्तफ़ा इस दुनिया में जलवागर हुए तो बदन पे तेल भी लगा हुआ था। आमिना फरमाती है जब मेरे मुस्तफ़ा जलवा घर हुए हैं तो बैठे बैठे जो आमिना अपने घर के बाहर नहीं देख सकती थी, वो आमिना जो गलियों को बैठे बैठे नहीं देख पाती थी, लेकिन जिस दिन मेरे मुस्तफ़ा इस दुनिया में जलवा घर हो रहे हैं, आमिना फरमाती है घर में बैठे बैठे मैं शाम के महलात को देख रही थी, शाम के महलात को मैं देख रही थी। अल्लाह पर मेरे मुस्तफ़ा जलवा घर हुए, हज़रत आमिना फरमाती है मेरे मुस्तफ़ा जब आए सजदे में सर रख दिया और कहा रब्बी हबली उम्मती, उम्मत को याद कर रहे थे, आज उम्मत यहाँ बैठ के मुस्तफ़ा को याद कर रही है। आमिना फरमाती है मुस्तफ़ा जलवा घर हो गए। अब आमिना ने दूध पिलाया, कभी हजरत सुहैबिया ने दूध पिलाया, सिर्फ हजरत आमिना ने 7 दिन दूध पिलाया, चंद दिन हजरत सुहैबिया ने दूध पिलाया, फिर दाई हलीमा सादिया ने तकरीबन 2 साल तक दूध पिलाया। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है जब मैं मुस्तफ़ा को लेके बैठा करती थी तो बच्चों बच्चों में कंपटीशन हो जाती, लोग कहते मेरा बच्चा बड़ा खूबसूरत है, बड़ा अनोखा बच्चा है, इसकी आंखें सुरमगी हैं, इसका चेहरा बड़ा चमकीला है, ये उसमें जमाल का पैकर है। लेकिन हलीमा सादिया फरमाती है जब मेरी बेटी सीमा ने अपने हाथ में मुस्तफ़ा जाले रहमत को लिया, काए सरदारों की बेटियाँ आज से पहले कहा करती थी मेरा बेटा बड़ा हुस्न वाला है, बड़ा अनोखा है, परेशान वाला है, इसकी आंखें सुरमगी हैं, इसका चेहरा दिलनशीन है, ऐसा लगता है उसने जमाल का पैकर आया है। अरे शहजादियों अपने अपने लख्ते जिगर को लाओ, आज ऐसा लख्ते जिगर लाई हूँ जो सारे बच्चों का इमाम है। सब लेके आई तो कहा सब चेहरा दिखाओ और मैं अपने इस शहजादे के चेहरे पे दुपट्टा डालती हूँ, उसके बाद मेरे इस महबूब के इस मुस्तफा के चेहरे को देखना। सच्चे रजा हम सबके रजा इमाम अहमद रजा बरेली के धरती से पुकार उठे, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अरे कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान है इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मेरे मुस्तफ़ा की दास्तान सुने सुबह से शाम हो जाएगी, दास्तान मुस्तफ़ा नहीं खत्म होगी। मेरे मुस्तफ़ा की उम्र बढ़ी, मेरे मुस्तफ़ा ने ऐलान नबूवत कर दिया, नबी ने ऐलान नबूवत कर दिया, सिद्दीक आए कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, उमर आए कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, उस्मान आए कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, मौलाए कायनात आए कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, सहाबा मुसलमान होते रहे। एक दिन मेरे मुस्तफ़ा मक्का की गलियों से गुजरे और मक्का की गलियों से जब गुजरे तो एक आवाज़ थी, एक सर्द आवाज़ थी और ऐसी लरस आवाज़ थी
ऐसे रोने की आह की सदा रही थी। मेरे मुस्तफा गली से गुजर रहे थे जब आह की सदा ही किसी के रोने की। मुस्तफा के नबुवत वाले कदम ठहर गए। मेरे मुस्तफा रुक गए, दाएं देखा आवाज इधर से आ रही है, बाएं देखा किधर से आ रही है। मेरे मुस्तफा को पता चला कि ये आवाज ना इधर की है, ना इधर की है, ना पीछे की है, ये आवाज बगल के गली की है। मेरे मुस्तफा आगे गए, गली का मोड़ मुड़े, मेरे मुस्तफा को एक दरवाजा नजर आया। कौनैन के आका ने कान लगाया तो आवाज अंदर से आ रही थी, आह की सदा रही है, किसी को दर्द की सदा हो रही है। मेरे मुस्तफा चाहते तो निकल जाते, ये उसके घर का मामला है। हम गली से गुजरते हैं, कोई रो रहा है तो हम समझते हैं ये उसका मामला है, ये वो जाने। नहीं नहीं प्यारे नबी के उम्मती, समझ के चले जाया करो, अगर उसके काम ना आ सको तो दिलासा दे के चले आया करो। आज तुम उसकी मुसीबत में काम आ जाओगे तो मुस्तफा जान रहमत तुम्हारे लिए तुम्हारी कब्र में काम आ जाएंगे। मेरे नबी आगे गए, दरवाजे पे देखा, अंदर से आवाज आ रही है। मेरे मुस्तफा के नबूवत वाले हाथ, बड़ी शान वाले हाथ, बड़ी बाबरकत हाथ मेरे मुस्तफा ने दरवाजे पे लगाया। अंदर से आवाज आई, मन दबता कहा था दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। मेरे मुस्तफा ने दरवाजा खोला। आका कौन है, दोनों आलम के मकी, मेराज के दूल्हा, सिदरतुल मुंतहा पे मेराज करके जाने वाले मुस्तफा कौन है। इनके आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने दरवाजा खोला।